हर व्यक्ति को भगवान ने एक जैसा दिमाग दिया है, लेकिन फिर भी कोई जीवन में खूब सफलता प्राप्त करता है और कोई असफल सा होकर रह जाता है। इसी प्रकार स्कूल में भी देखने को मिलता है कि जहाँ कुछ विद्यार्थी पूरे पूरे अंक लेकर परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, वहीं कुछ अन्य विद्यार्थी पासिंग अंक प्राप्त करने में भी असमर्थ रहते हैं और इसका दोष वे अपने दिमाग को देते हैं कि भगवान ने उनको कम दिमाग दिया है। दरअसल कम या ज्यादा दिमाग वाला तथ्य बिल्कुल ही तर्कहीन है और दिमाग की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने दिमाग का कितना और किस प्रकार उपयोग करते हो। आज क्विक सपोर्ट इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताएंगे जिनकी मदद से आप अपने दिमाग की क्षमता का 100% इस्तेमाल कर सकते हो और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे ऐसी वीडियो और भी आपको मिलती रहेंगी। पहला, हर काम को बेस्ट अंजाम देने की सोच को अपनाएं। हर वो विद्यार्थी जो परीक्षा में टॉप करता है, इसी सोच से उस परीक्षा के लिए तैयारी करता है कि वो उस खास इम्तिहान में बेस्ट परफॉर्म करेगा। अपने इसी कथन को वास्तविक रूप देने के लिए वो विद्यार्थी अपने दिमाग को उसी दिशा में संचालित करता है जिससे उसकी तैयारी सबसे बेहतर हो सके। वहीं दूसरी ओर जिस विद्यार्थी का मकसद केवल और केवल पास होना होता है, उसका दिमाग उसी लय में काम करता है। अपनी इसी सोच के चलते ऐसे विद्यार्थी पर्याप्त तैयारी नहीं कर पाते, जिससे पेपर के जरा सा मुश्किल होने पर वो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते और असफल परिणाम पाते हैं। दूसरा, दिमाग को सही तरीके से कंट्रोल करना सीखें। दरअसल हमारा दिमाग एक घोड़े की तरह होता है, जो अगर खड़ा है तो खड़ा है, और यदि आप उसको नियंत्रित करना शुरू करते हो तो वो आपके इशारों पर चलता है और आप जिस दिशा में बोलो उसी ओर लेके जाता है। इसी प्रकार आप दिमाग का सही तरीके से नियंत्रण करें तो आप इसका जितना चाहे उतना उपयोग कर सकते हो। इसलिए अगर आप अपने हर कार्य को बेस्ट तरीके से करने की ठान लेते हो तो आपके दिमाग का सबकॉन्शियस हिस्सा, यानी जो आपकी इमेजिनेशन के अनुसार आपके जीवन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, आपकी कल्पना के अनुसार ही काम करता है और आपको बेस्ट परिणाम पाने में मदद करता है। तीसरा, हर कार्य को पूरे इंटरेस्ट के साथ करना है जरूरी। अगर आप किसी कार्य में बेस्ट परिणाम पाना चाहते हैं तो आप उस काम के प्रति भरपूर रुचि दिखाएं, जिससे आपका दिमाग भी उस कार्य के लिए अधिकतम कुशलता दिखाता है और उसको अंजाम देने के लिए अपने सभी कंस्ट्रक्टिव हिस्सों में मजबूत कनेक्शन बनाता है और उनको निपुणता से चलाता है। दिमाग का अधिकतम हिस्सा आपके द्वारा शुरू किए गए कार्य को उसके बेस्ट अंजाम तक पहुंचाने के तरीके या स्टेप्स की रचना करने में जुट जाता है और आपको सफलता की ओर ले जाने में मदद करता है। चौथा, दिमाग को ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्टिव कार्यों में रखें बिजी। किसी मशीन को यदि चलाना बंद कर दिया जाए तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि दिमाग को रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त न रखा जाए तो इसका ज्यादातर हिस्सा कुशलता पूर्वक काम करना बंद कर देता है। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा ऐसे कार्यों में व्यस्त रखें जिनमें इंटेलिजेंस की जरूरत पड़े, जैसे कोई क्रॉसवर्ड हल करना, मंद गेम्स खेलना आदि, जिससे आपके दिमाग का अधिकतम हिस्सा सक्रिय रहेगा और कामों को कुशलता पूर्वक करना सीख पाएगा। पांचवा, अपनी काम करने की क्षमता को हर दिन पुश करें। आप हर रोज जितना काम करते हो, आपका दिमाग उतने ही काम के प्रति अपना रिस्पांस देता है। यदि आप हर रोज 2 घंटे पढ़ाई करते हो तो उतने समय में पढ़ी चीजों पर आपका दिमाग रिएक्ट करेगा, और यदि आप अपनी कार्य करने की क्षमता को बढ़ाकर 2 घंटे की बजाय 3 घंटे पढ़ाई की जाए तो आपका दिमाग भी बढ़ते हुए काम के प्रति अपने डल हिस्सों को सक्रिय करते हुए प्रतिक्रिया दिखाता है, जिससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। हर व्यक्ति की सफलता का राज उसके दिमाग से ही जुड़ा होता है कि वो किस प्रकार अपने दिमाग के अधिकतम हिस्से का उपयोग करते हुए सभी कार्यों को उनके सही अंजाम तक पहुंचाता है। विद्यार्थी जीवन में तो दिमाग का सही इस्तेमाल सबसे ज्यादा मायने रखता है, इसलिए इस वीडियो में दिए गए तरीकों को अपनाकर विद्यार्थी अपने दिमाग की क्षमता का 100% इस्तेमाल कर सकते हैं
और पढ़ाई की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकती हैं और मन चाहा परिणाम पा सकती हैं। और हम उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।